हेलो बच्चों, नीट 2021 की ट्रिक्स की सीरीज़ में आज हम आपको रोलिंग मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज याद रखने की ट्रिक और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टेस्ट तरीका बताएंगे। ये वीडियो 11 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें हम किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं। और साथ ही नीट के बच्चों के लिए ये बात ज़रूरी है कि इस रोलिंग वाले से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये जो भी ट्रिक बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं रोलिंग का एक बेसिक मॉडल ले रहा हूँ। तो रोलिंग का बेसिक मॉडल क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंट्रोमास प्लस रोटेशन अबाउट द एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोमास। तो इन दोनों का मॉडल ये आपके सामने आपने बहुत बार देखा होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, इनका वैक्टर सम कर लेते हैं, तो रोलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये मोशन मिल जाता है। यानी कि ये वैक्टर वेलोसिटी का इसको काट करके यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यानी कि फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी वेलोसिटी ट्वाइस भी हो जाती है, क्योंकि वी प्लस वी वहाँ पर क्या होता है, ट्वाइस भी हो जाता है। ये सब चीज़ें आपकी आपको पता ही हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंट्रोमास प्लस रोटेशन अबाउट सेंट्रोमास। अच्छा, अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। तो भाई ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। रोटेशन की क्या हो जाएगी आपकी, वही हाफ सी आई ओमेगा स्क्वायर, पर उन सबको मैंने फॉर्मूले की तरह यहाँ पर लिख लिया है। अल्टीमेटली रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से होती है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टर्म इस तरह से आ जाती है। अब इस सब में आप देख लीजिए, एम बी स्क्वायर बाई टू का तो फैक्टर सब में तीनों में कॉमन है ही सही। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी जो के दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, तो इनका जो रेशियो है उसको मैं सी से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बार बार लिखना नहीं चाहता, थोड़ा शॉर्ट में फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो सी है, ठीक है जी, तो इसमें जो के आप लिख रहे हैं वो उस एक्सिस के अबाउट है जो एक्सिस आपका सेंट्रोमास के थ्रू पास हो रहा है। जैसे मैं आज कहूँ कि सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो सी से मेरा मतलब यही है, क्योंकि उस केस में आपने ये माना है कि जो रोटेशन एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू सेंट्रोमास। ओके जी, तो जो भी ऑर्डिनरी फॉर्मूले आपने याद किए हैं फॉर द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोमास, उसके आगे जो डिजिट का रेशियो है उसको मैं यहाँ पर सी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि बार बार फॉर्मूले बड़े ना हों। ठीक, अब ये सारी एनर्जी आपके सामने लिख दी गई। तो हाल ही में नीट में एक क्वेश्चन तो पूछे गए कि भाई ट्रांसलेशन का रेशियो डिवाइड बाय रोटेशन का, टी फॉर ट्रांसलेशन है ना, और रोटेशन के लिए मैं आर ओ टी दिखा रहा हूँ और रोलिंग के लिए मैं आर ओ डबल एल दिखा रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का यदि रेशियो निकालना हो तो भाई ट्रांसलेशन के लिए आपने यहाँ पर कौन सा सिंबल लिया है, 1, और रोटेशन के लिए आप यहाँ पर कौन सा सिंबल ले रहे हैं, सी। तो बस सीधा 1/c करके रख दीजिएगा। यानी आज मैं किसी सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूँ कि उसकी ट्रांसलेशन और रोटेशन की क्या रेशियो होगा, तो 1 डिवाइड बाय उसका सी कितना होगा, 2/5। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप उसे लिख देंगे। अब इधर आइए कि आपको चाहिए रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो एंड रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो रोटेशन के लिए आप सी सिंबल लेंगे और रोलिंग के लिए आप क्या लेंगे, ऑब्वियसली 1+c। तो इस तरीके से रेशियो निकल आएगा। तो इन सबको फॉर्मूले आपके देखे हुए होंगे और अभी हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पे जाकर इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बाद हम आ रहे हैं किस पर, कि भाई रोलिंग की टोटल एनर्जी ये होती है, ठीक है जी। तो मान लीजिए एच हाइट से कि इंक्लाइंड से किसी ऑब्जेक्ट को रोल करा के छोड़ दिया गया, एच उसकी वर्टिकल हाइट है और एल उसकी पाथ लेंथ है, ठीक है जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी रोलिंग की वजह से जो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एम से एम कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका सबका दिखा होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gs डिवाइड बाय 1+c, वेयर एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ स्लोप। ऐसे ही यदि एसिलेशन निकालना पड़ जाए, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया है तो उसका एसिलेशन क्या हो जाएगा, g sin θ डिवाइड बाय 1+c। अरे भाई जब ट्रांसलेशन करके आता है तो एसिलेशन कितना होता है, g sin θ। तो भाई ट्रांसलेशन वाले केस में आप क्या कर देंगे, सी की वैल्यू जीरो कर देना, और रोलिंग में हम 1+k² / r² लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो फॉर्मूला आपको याद ही रखने होंगे ये। तीसरी बात
कि बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं भाई, सॉलिड स्फीयर, डिस्क वगैरह वगैरह, इन सबको हमने रेस से छोड़ दिया। तो जब रेस से छोड़ दिया तो ये ऊपर से नीचे आने में एल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो वही एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम का ये रेशियो निकल के आ जाएगा √12a, जहां पर ए की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी साइन थीटा ओवर 1+c, 1+c ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन में, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुल मिला के गौर कर लीजिए, टाइम जो है वो तो 1+c के रूट के प्रोपोर्शनल है, एसेलरेशन 1+c के रेसिप्रोकल है, और वेलोसिटी 1+c रूट के रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी मोशन में एकदम से वो कहते हैं कि भाई स्लिपिंग हो रही है, तो उस केस में हम सी की वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक है जी, यदि स्लाइडिंग या स्लिपिंग हो रही होगी तो फिर हम रोलिंग नहीं मानेंगे। तो ये जो सी की वैल्यू है वो आपकी क्या रख दी जाएगी, वहां पर 0 रख दी जाएगी। और सी हमारा क्या है, वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। उस रेशियो को बार बार लिखने के बजाय मैंने एक छोटा सिंबल बना लिया है, और जब भी सेंटर मास से पासिंग एक्सिस के लिए होगा तो वो सारे फॉर्मूले आपको पता होते हैं। मान लीजिए स्फेयर के लिए आप याद कर रहे हैं तो वो कितना होता है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास, तो ये सी की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी जाएगी, 2/5। ठीक है, तो मैं प्रीवियसली जो नीट में क्वेश्चन आए हुए उनको मैं डिस्कस करता हूँ। ये सारे फॉर्मूले वैसे भी आपको याद होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी कर्व सरफेस पर इनिशियल वेलोसिटी वी से चलता हुआ मैक्सिमम हाइट ये गेन करता है। ठीक है जी, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, भाई पिछली बार हम ऊपर से गिरा के नीचे की वेलोसिटी अचीव कर रहे थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, नीचे से वी वेलोसिटी से छोड़ के इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ली जाएगी इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी पता करनी है और हाइट दे रखी है। ठीक है जी, तो आपने ये फॉर्मूला याद किया था कि वेलोसिटी और एच से गिरता है तो ये रिलेशन आता है। तो आज हमको हाइट दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को हम हाइट के टर्म में रीअरेंज कर लेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एच को इधर फ्री कर लेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 1+c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट का आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसानी से रीअरेंज करके। ठीक, पर वो हाइट दे कितनी रखी है आपको, 3v² / 4g, देख लीजिए। ठीक, तो ये हाइट दे रखी है और ये हाइट हमने फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकाल ली। अब क्या करना है कि भाई जो चीजें कट जाएंगी उनको काट देते हैं, वी स्क्वायर ये तो कट ही जाने हैं, ये सब तो कट ही जाने है ना, ये 2 बार कट जाएगा। तो 1+c का जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, 3/2, काट के देख लीजिए आप बड़े आराम से। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। अब सी की वैल्यू हाफ किस किस के लिए होती है, एक तो आपके डिस्क के लिए होती है और एक सॉलिड सिलेंडर के लिए होती है, समझ रहे हैं आप, फॉर्मूले देखिएगा, हाफ एम आर स्क्वायर होते हैं दोनों के। तो सॉलिड सिलेंडर तो दे नहीं रखा है यहां पर, क्या दे रखा है आपको, डिस्क दे रखा है, तो डिस्क के लिए सी की वैल्यू हाफ होगी। बाकी होलो स्फीयर के लिए क्या होती है, 1, सॉरी होलो स्फीयर के लिए कितनी होती है, 2/3, रिंग के लिए कितनी होती है, 1, और सॉलिड स्फीयर के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। तो बेस्ट आंसर आपका कौन सा है इसमें, डिस्क ही है। तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आते आते रहते हैं, मैं तो बस ये है कि वापस से डिस्कस कर रहा हूँ सबको। आइए अब आप, यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो इसके आसपास जो और भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं अब आपको बताना चाहता हूं। ये आया हुआ है IIT मेंस 2019 में। तो 2019 में उन्होंने ये बोला है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल कर रहे हैं और उसके सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम जानते हैं कितना होगा, 2/5, सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होगा, ये हाफ होगा। तो हमसे वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑब्टेंड बता दो। ठीक है, तो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं। तो IIT मेंस 2019 में आया है। तो सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है फॉर द रोलिंग सॉलिड स्फीयर एंड रोलिंग सॉलिड सिलेंडर, तो उनकी हाइट ऑब्टेंड का रेशियो बता दो। ठीक, तो हाइट की वैल्यू आपको निकालनी है, रेशियो निकालना है हाइट का। तो अभी अभी देख लिया हमने, हाइट जो है अल्टीमेटली क्या हो जाती है आपकी, 1+c के प्रोपोर्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है और जी तो सब हमेशा सेम आना ही आना है। तो मुझे उम्मीद है कि उस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि हाइट जो होती है, हाइट ऑब्टेंड इफ द वेलोसिटी सेम,
तो ये वाला प्रोपोर्शनलिटी आता है भाई, उनके वन प्लस सी के प्रोपोर्शनल होगी। आइए तो वो पहले कौन है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का सी की वैल्यू ये लिख दी। बाद में रेशो में हमेशा होता है, जो पहला ऑब्जेक्ट देता है उसको उसका डाटा ऊपर रखते हैं और जो बाद में आता है वो नीचे रखते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए सी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो गया। तो देखिए इसको ठीक से, तो हाइट का रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो, टाइम का रेशियो, ये सब अभी मैंने आपको सबसे पहले वाले पेज पे बताया ही था। तो इस क्वेश्चन को ठीक से उतारिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन भी इसी जैसा बताता हूं। अब ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कि भाई सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है फॉर ए ट्रांसलेटिंग सिलेंडर। तो एक दो आइडेंटिकल सिलेंडर है, एक को तो हमने ट्रांसलेशन में दिया, उसकी भी सेंटर मास की वेलोसिटी वी है, और दूसरा आइडेंटिकल सिलेंडर रोलिंग कर रहा है ना, दोनों की सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है। तो गौर करिए, दो आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, एक ट्रांसलेशन कर रहा है और दूसरा रोल कर रहा है, दोनों के सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है। यदि हम दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर को एक इंक्लाइन के बॉटम से छोड़ दिया जाए तो कौन ज्यादा हाइट अचीव करेगा। तो क्वेश्चन समझिए, दोनों की सेंटर मास की वेलोसिटी सेम है, सिलेंडर आइडेंटिकल है, एक ट्रांसलेशन में और एक रोलिंग में, तो कौन ज्यादा हाइट अचीव करेगा। तो देखिए जरा, ये तो आपका फॉर्मूला निकाल ही लिया हमने वहां से, क्योंकि वी तो सेम है दोनों का। जो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा होगा, इसका मतलब उसमें रोटेशन का पार्ट नहीं होगा, तो जो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है उसमें सी की वैल्यू क्या डाल देंगे, जीरो, और जो रोल कर रहा है उसमें तो भाई दोनों फैक्टर आएंगे, वन भी आएगा और सी भी आएगा। तो आ जाइए, रोलिंग वाले के सामने वन प्लस सी लिख दिया और ट्रांसलेशन के सामने वन प्लस सी की वैल्यू कितनी हुई, जीरो। बस हो गया कहानी खत्म। तो रेशियो बड़े आराम से रहता कि भाई सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर मान लेना चलो, ठीक है जी, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना लिखेंगे, वन प्लस वन बाई टू, सी की वैल्यू हाफ होती है, और जो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है उसके अंदर रोटेशन हो ही नहीं रहा, जब रोटेशन हो ही नहीं रहा तो रेडियस ऑफ गायरेशन या सी या ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो का कोई काम ही नहीं है। तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकेंगे, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो बहुत ही फंडामेंटली कई सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है, इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को भली द्वारा रिवाइंड करके देखिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन पहले आई टी में आया हुआ था, फिर बाद में नीट में 2013 में रिपीट किया गया। तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया है कि यदि लीनियर वेलोसिटी सेम हो तो हाइट प्रोपोर्शनल टू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसमें टाइम से रिलेटेड बात बोली गई है। तो अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ हॉलो सिलेंडर बोथ ऑफ सेम मास एंड सेम एक्सटर्नल डायमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, बोथ रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग चल रही है, तो कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, यानी किसने कम टाइम लिया। तो टाइम वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने शुरुआत में थ्योरी में बता दिया था, वो तो ये था कि भाई जो टाइम टेकन होता है रोलिंग के केस में किसी इंक्लाइन से, वो वन प्लस सी के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। सी हमारा वही है, बार बार एक ही बात क्या बोलूं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो को मैं शॉर्ट में सी से दिखा रहा हूं। तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो उसका जो एम आर स्क्वायर का आएगा, जो डिजिट का रेशियो है वन बाई टू, वो है सी। और होलो के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, वन, क्योंकि उसका कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम आपको क्या चाहिए भाई, जो पहले पहुंचेगा वो टाइम कम लेगा, तो टाइम छोटा लेने के लिए सी भी छोटा लेना होगा। समझ रहे मेरी बात, कौन जल्दी पहुंचेगा, जिसको जो कम टाइम लेगा। तो टाइम कम कब होगा, जब सी कम होगा। तो सी कम किसका है, ऑब्वियसली सॉलिड सिलेंडर का, हाफ ऑब्वियसली वन से तो कम ही है ना, तो सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंचेगा। अब कोई कहता नहीं सर मेरे को तो टाइम का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो भाई तू ये तो याद कर ले, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो जब वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, समझो। तो जो फास्ट चल रहा होगा वही टाइम कम लेगा। अब वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसका सी कम होगा, इधर से भी आंसर आ जा रहा है।
तो सी कम किसका है? ऑब्वियसली सॉलिड सिलेंडर का है, तो सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी ज्यादा होगी इसलिए वो कम टाइम लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, इसको आप जरा लिख लीजिए, उतार लीजिए। 2010 में आया हुआ है, ये सब फॉर्मूले मैंने पेज नंबर 1 पे ही बता दिए थे आपको, बाकी सब मॉड्यूल में होते हैं। आपको नीट निकालनी है भाई, 720 में से 670 680 नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन 10-20 सेकंड में ही होना चाहिए। यदि वो क्वेश्चन आपसे 1-1.5 मिनट में हो रहा है तो फिर नीट क्लियर हुआ भी नहीं। अगला देखिए, इसने तो हमारा कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ गायरेशन एन एक्स फोर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो मैं तीसरे से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी, किस किसका फ्रैक्शन चाहिए? रोटेशनल डिवाइड बाय टोटल। तो रोटेशनल के लिए हम क्या तीसरे से सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे? सी। ट्रांसलेशन के लिए क्या कर रहे थे हम? 1। और रोलिंग के लिए क्या कर रहे थे? 1+C। तो रोटेशन और रोलिंग का रेशियो चाहिए, तो रोटेशन के लिए सी लिखा, रोलिंग के लिए 1+C लिखा। बस सी की वैल्यू k² / r² डाल दो, बस फिर तो काटा पीटी का खेल है। तो आप मेन इस तरह ध्यान दें, रोटेशन बाय रोलिंग ये होता। यदि वो आपसे ट्रांसलेशन बाय रोलिंग पूछ लेता तो वो भी निकल आता। ट्रांसलेशन के लिए अपन ने कितना माना है? 1। रोलिंग के लिए कितना माना है? कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। पहले पेज के फॉर्मूले पे ध्यान दिया होते तो एक झटके में हो जाएगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। इसको पढ़िए। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम? ठीक है भाई, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये फॉर्मूला तो अभी हम याद कराए पेज नंबर 1 पे। ठीक, सी कौन है? सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर होगा। तो बस सी की जगह हाफ डाल दें, जैसे 1/2 डाल देंगे 2 ऊपर की तरफ, यानी इसको 4/3 कर देगा। ये लीजिए आंसर आ गया आपका। तो फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्ट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग। तो जब विदाउट स्लिपिंग है इसका मतलब उस समय तो प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, और विद स्लिपिंग, जब विद स्लिपिंग की बात चल रही है मतलब सी की वैल्यू 0 हो गई, और विदाउट स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग चल रही है तब आप क्या ले रहे हैं? 1+C ले रहे हैं। तो समझिए बात को, तो जब भी स्लिपिंग के साथ नीचे जा रहा होगा या स्लाइडिंग के साथ जा रहा होगा इसका मतलब हम उसमें रोटेशन वाला पार्ट नहीं लेंगे, यानी सी को 0 कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका? यही तो है ना, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1+C। तो जब प्योर रोलिंग चल रही होगी तब तो सी की वैल्यू 2/5 डाल देना, और जब स्लिपिंग या स्लाइडिंग जैसा वर्ड आ जाएगा तो सी की वैल्यू 0 डाल देना। बस आ गया, तो ये जी साइन थीटा तो दोनों तरफ रेशो में कट ही जाएंगे। जब प्योर रोलिंग चल रही होगी तो 1+C यानी 2/5, और जब स्लिपिंग हो रही होगी तो सी की जगह क्या डाल देंगे? 0। इन दोनों का रेशो आप निकाल लो, तो रेशो बड़े आराम से 5:7 आ जाएगा। ये 2014 में आया हुआ है, तो सब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए कि रोलिंग में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, रोटेशनल का डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। भाई प्योर रोलिंग चल रही तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वही 1+C का रेशियो, और रोटेशनल में क्या आएगा? सी। तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल जो होगी उसका सी क्या होगा आपका? 2/5 होगा, है ना, ये शेल की बात नहीं कर रहा, सॉलिड की बॉल की बात कर रहा हूँ। सी की वैल्यू कितनी होगी? 2/5। तो ऊपर रोटेशन लिख दिया, रोटेशन टू द टोटल सी बाई 1+C करके लिख दिया, बहुत आसानी से आपका 2/7 का रेशियो आ जाएगा। ये 1994 में आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी अपन ने हालांकि क्वेश्चन ऐसा ऐसा अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, पर 1993 में आया हुआ है। ये तीन चीजें, सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। अब डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का तो सी एक सा होता है, सॉलिड स्फीयर का सी 2/5, ठीक है जी। इसमें भी वही होगा, कौन पहले पहुंचता है, कौन पहले पहुंचता है मतलब टाइम आपका जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो टाइम मिनिमम होने का क्या मतलब है? उसका सी छोटा होना चाहिए। तो सी छोटा किसका है? ऑब्वियसली सॉलिड स्फीयर का सी छोटा है, क्योंकि 2/5 का रेशियो कितना जनरेट करेगा? 0.4, और हाफ का रेशियो कितना जनरेट करेगा? 0.5। तो टाइम उसी का कम होगा जिसका सी कम है।
तो सॉलिड्स पर आपका पहले पहुंचेगा, वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं भाई, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका सी कम होगा, तो सी कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो पहले भी ऐसा कैसे कंसेप्ट अपने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लें, द स्पीड ऑफ ए होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग चल रही है, तो ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा। अब सॉलिड स्फीयर है तो सी की वैल्यू 2/5 डाल दीजिएगा, ठीक है जी, तो बस सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, अब लास्ट ही लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो बच्चे अभी तक रुके होंगे उनको फायदा होगा और जो भाग गए होंगे उनको फायदा नहीं होगा। आइए, तो ये भी कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, आईआईटीज में, नीट में, उन सबको मिला जुला करके मैंने याद रखने की छोटी सी ट्रिक या थ्योरी बना रखी है, तो आइए इसको देखिए। एक फॉर्मूला इस तरह से याद कर लें, जब भी ऑब्जेक्ट रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रहा हो, है ना, क्योंकि ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले याद करके आई हैं, ए इज इक्वल टू जी साइन थ्रीटा डिवाइड बाय 1+c, तो ये फॉर्मूला तो आप याद करके आए हैं। मेरी गुजारिश है जी डिवाइड बाय 1+c और सी के आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, किससे, जो ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है उसका मास डिवाइड बाय जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा है उसका मास, ठीक है, याद कर लो। यहां पे सी तो वापस से वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू जी 1+c, सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, रोटेटिंग मास डिवाइड बाय ट्रांसलेटिंग मास। ओके, यदि ऑब्जेक्ट एक ही हो, वो भी अभी क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे यहां पर तो अपन कह रहे हैं एक होलो सिलेंडर घूम रहा है और उससे एक मास लटका हुआ है, तो दो अलग अलग मास हैं, तो ये फॉर्मूला अपन चला ही रहे हैं। यदि सिंगल ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन, एक सिंगल रॉड है उसकी रस्सी काट दी, तो ये जो रॉड है वो ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी करेगी, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, डबल ऑब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन दोनों पर ही आपका ट्रिक लग जाएगा। तो या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्वियसली जब एक ही ऑब्जेक्ट को रोटेशन और ट्रांसलेशन करना है तो उनका मास इक्वल होगा, तो दोनों को काट देंगे, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी डिवाइड बाय 1+c, ठीक है जी। तो या तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो कि इसमें रोटेशन रोटेटिंग करने वाले का मास और ट्रांसलेशन करने वाले का मास दोनों का सेम हो, ये तो आईटी में हुआ है 2014 में, तो भी ये फैक्टर कट जाएगा और सीधा सीधा आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं इस पे फिर से आता हूं, आप एक बार इस फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है और उस पर या तो कोई थ्रेड बंधा हुआ है, ठीक है, या दैट ऑब्जेक्ट इज फोर्स टू रोटेट अबाउट सम एक्सिस, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, ए इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 1+c, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसका मास डिवाइड बाय जो ट्रांसलेशन कर रहा है उसका मास। यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट हो, तो भी रेशियो कट जाएगा, और या फिर दोनों का मास, भले ही ऑब्जेक्ट अलग अलग है पर मास सेम है, तब भी ये रेशियो कट जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये तो आईआईटी 2014 का हुआ है, यही सबसे पहले क्रैक करते हैं अपन। एक होलो सिलेंडर है एम मास का, उसके ऊपर एक रोप बांध रखी है और वो रोप फाइनली उसी सिमिलर एम मास के एक ब्लॉक से जुड़ी हुई है, तो दोनों का मास सेम हो गया, मास सेम हो गया, दोनों कट गए, क्योंकि रोटेट करने वाले का और ट्रांसलेशन करने वाले का मास सेम है, तो ये कट गए, तो बस यहां पे सी बचा, तो सी किसके लिए आएगा भाई, रोटेशन करने वाले के लिए आएगा भाई, ये तो रोटेशन कर नहीं रहा ना, तो सी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, होलो सिलेंडर के लिए सी कितना होता है, 1 होता है, बस सीधा आंसर आ गया आपका। तो ये एसिलेशन किसके लिए आ जाएगा, ऑब्वियसली ब्लॉक का एसिलेशन आपका ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो जो धागे की गिट्टी होती है यानी रील जिसे कहते हैं, तो उस रील का यदि आप धागा पकड़ के छोड़ देंगे, धागा पकड़ लिए एक एंड से, तो वो जो रील होती है जैसे अपन कपड़े सिलते हैं, वो धागा की रील की बात कर रहा हूं, तो वो रील खुद उस धागे को ही अपना कॉन्टेक्ट सरफेस बना करके रोल करके नीचे गिरती जाती है, तो वो रोलिंग कर रहा है, मतलब रोटेशन भी है उसमें, ट्रांसलेशन भी है, बट ऑब्जेक्ट एक ही है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो मास तो कट ही गया, और क्योंकि उस पर काफी सारा धागा लिपटा हुआ है, तो हम उसको होलो सिलेंडर जैसा नहीं मान रहे, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर जैसा ही मान रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं मेंशन कर देगा कि आपको उसे होलो सिलेंडर मानना है, सॉलिड मानना है, तो रील
ऑफ थ्रेड यानी बहुत सारा उसमें धागा लिपटा हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या डाल देंगे, हाफ डाल दीजिएगा, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास का एसोलेशन आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो AIPMD 2007 में भी आया था। इसमें क्या है, एक एम मास एल लेंथ की रॉड है जिसका एक एंड रस्सी से आपने बांधा हुआ है और एक एंड आपने एक्सिस बना रखा है, मतलब ये फिक्स है। तो ये रॉड जो है वो इस एक्सिस के ऊपर घूम सकती है। क्यों घूम सकती है, क्योंकि कुछ देर बाद आपने थ्रेड को काट दिया। तो नीट 2013 में जाके आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसी के आसपास के भी और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा। तो एम मास एल लेंथ की रॉड है, वन एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकती है। शुरुआत में थ्रेड लगा के उसको रुका हुआ था, फिर हमने क्या करा, वो थ्रेड को कट कर दिया। तो जैसे ही कट किया, ठीक उसी समय पर इस रॉड के सेंट्रो मास का एसोलेशन भी चाहिए और इसका एंगुलर एसोलेशन भी चाहिए। दोनों तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, लीनियर एसोलेशन ऑफ सेंट्रो मास एज वेल एज एंगुलर एसोलेशन। तो मैं अपनी इसी ट्रिक से कर दे रहा हूं कि भाई सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वही रोटेट कर रहा है, वही ट्रांसलेट कर रहा है, तो दोनों का मास सेम होने से कट गया। तो ए इक्वल टू जी वन प्लस सी, ये लीजिए। अब सी की वैल्यू क्या डालेंगे, भाई एक्सिस ये है ना, तो आप भी जानते हो सी की वैल्यू सेंट्रो मास से पासिंग एक्सिस के लिए कितनी होती है, 1/2 है ना, समझ रहे हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 होती है रॉड के लिए, और वही वन एंड पर आ जाती है। तो ये वन एंड के अबाउट घूम रही है ना, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया जाएगा, 1 ml² / 3। तो जब इस एंड के अबाउट ये घूम रही है, तो इसके अबाउट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पर 1/3। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी याद रखिएगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उस एक्सिस के अबाउट यहां पर सी की वैल्यू रखी जाएगी। बस सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लो, 3g/4 आ जाएगा। तो लीनियर एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका 3g/4 आ जाएगा। अब इसी का एंगुलर एसोलेशन भी पूछ लेता, तो लीनियर एसोलेशन और एंगुलर एसोलेशन में क्या रिलेशन होता है, वही a इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, पर रेडियस क्या है, यहां पर खुद आप देखिए कि l/2 के बराबर है। क्यों, एसोलेशन किसका निकाल पाए आप, सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास की एक्सिस और रोटेशन डिस्टेंस कितनी है, l/2। तो जिस चीज का आपको एसोलेशन बताया किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी रेडियस पर है, दैट इज l/2। ये देखिए, तो रोटेशन के कंसेप्ट ठीक से क्लियर होंगे तो आप यहां पर रेडियस ये l/2 लिख पाएंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस l/2 है जिसका कि हमको लीनियर एसोलेशन पता है। बस रीअरेंज कर लो, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2acm/l, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 4 दो बार कट जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका। तो सिर्फ ट्रिक है, किसी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियसली आए हुए हैं, तो हम प्रीवियसली आए हुए कई सारे क्वेश्चन को हमने अपने इस ट्रिक वाले सेक्शन में कवर किया है, तो इसको देखिए। फिर ये तीन क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं वो मैं अभी एक अभी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि यही कंसेप्ट है उन सबका भी। ये AIPMD 2007 में आया हुआ था, इसमें क्या था, एक टेबल पर एम मास एल लेंथ की एक रॉड को वन एंड पर हाथ से दबा के रखा हुआ है। जैसे ही छोड़ देंगे ये अपने वन एंड के अबाउट घूम जाएगी, वन एंड के अबाउट घूम जाएगी, तो यही सिचुएशन है, वन एंड के अबाउट सी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1/3। तो यही आता और एंगुलर एसोलेशन भी यही आता, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। अगला देखिए, एक रॉड है, उस पर दो रस्सियां से रोक रखा है, वही एम मास एल लेंथ की है। एक तरफ की रस्सी काट दी, तो एक तरफ की रस्सी काटते ही इस एंड के अबाउट घूम जाएगा, जैसे ही घूम जाएगा तो यही सिचुएशन बन जाएगी, लीनियर एसोलेशन ये हुआ, एंगुलर एसोलेशन ये हुआ। ऐसे इसको आगे देखिए, एक बीम है एम मास एल लेंथ का, उसको दो आदमी अपने शोल्डर पर रख के ले जा रहे थे, एक आदमी को बीच में पानी प्यास लग गई या उसको चाय पीने की याद आ गई, तो एकदम से छोड़ के भाग गया, तो एक आदमी उसमें भाग गया। तो जैसे एक आदमी भाग गया, ये पूरी पूरी रॉड इस आदमी के शोल्डर पर यानी वन एंड पर घूम जाएगी, जैसे ही घूम जाएगी तो वही सिचुएशन बन गई फिर से। तो जैसे ही वो आदमी भागा है, उसी इंस्टेंट पर वो आपसे एसोलेशन या एंगुलर एसोलेशन पूछ लेगा। तो देखिए, एसोलेशन ये आ जाएगा, एंगुलर एसोलेशन वो आ जाएगा। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली आए हुए थे, इधर उधर आए हुए थे, उस सबको मैंने अपने इसी से कवर किया है। ए इज इक्वल टू जी वन प्लस सी, सी वही इन क्वेश्चन में पर्टिकुलर सी कौन सा लेना है, वही रोटेशन एक्सिस
तो रोटेशन एक्सिस कौन सा, वन एंड वन गया, इसलिए सी की वैल्यू हमने 1/3 डाल दी। तो ये ट्रिक है, इनमें ज्यादा डेरिवेशन के ऊपर मत जाइएगा, सारी सारी ट्रिक की तरह सोचिएगा। तो कई सारे आपके क्वेश्चन कवर किए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कुछ ट्रिक बताऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट लाइव चैनल।